हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 10 क्लास 4 मैथमेटिक्स, दैट इज मेजरमेंट। अब हम इस एक्सरसाइज में जो हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट पढ़ा था कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 10.2, पहला क्वेश्चन है कि आपने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे आपकी टेबल बना ली है छोटी सी। अब आपने 3 मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपको 3 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, आप मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं, कितने स्टेप्स जा रहे हैं? 1, 2 स्टेप्स जा रहे हैं, ठीक है। अब आप इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट। तो हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मींस आपको 3 को 2 टाइम्स 10 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 10 10 द 100, 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ गए आपके? 300 सेंटीमीटर। नाउ मैं आपको इसका थर्ड पार्ट बताऊं। आपने 9 मीटर 16 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। किसमें कर रहे हैं हम यहाँ पे कन्वर्ट? सेंटीमीटर्स में। तो आपका 16 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, आप सिर्फ 9 मीटर्स को करेंगे। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आप 2 स्टेप्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इट मीन्स 2 टाइम्स 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो जब आप 10 10 द 100, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 900। तो 9 मीटर्स में आपके 900 सेंटीमीटर। तो 9 मीटर 16 सेंटीमीटर में 9 मीटर की जगह आपने लिख दिया 900 और प्लस कर दिया साथ में ये 16, तो कितना हो गया? 916 सेंटीमीटर। अब तो ये था कि जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। नाउ अगर मैं इसका 7th पार्ट आपको समझाऊं, आपको 30 मिलीमीटर दे रखा है, आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जाना है, तो आप मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, अब आप इधर से इधर आ रहे हैं, तो जब हम इधर से इधर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 10 एक स्टेप के लिए। हम स्टेप कितने जा रहे हैं? एक ही स्टेप, तो मुझे सिर्फ एक ही बार 10 से डिवाइड करना है। तो 30 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में करने के लिए मैंने 30 को 10 से क्या कर दिया? डिवाइड। 0 से 0 कैंसिल, सिर्फ 3 रह गया। डिनोमिनेटर में आपके 1 का कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ क्या रह गया यहाँ पे? 3। तो 30 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं आपके? 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम 8th पार्ट देखें, 85 मिलीमीटर है, इसको करने के लिए मुझे 10 से डिवाइड किया। अब डेसिमल में जब हम करते थे, 10 है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया, तो 5 से पहले पॉइंट लगाऊंगी तो क्या बनेगा? 8.5। तो 85 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 8.5 सेंटीमीटर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मीटर सेंटीमीटर के कंबाइन में कन्वर्ट करना है। ये टेबल मैंने आपको बना लिया यहाँ पे। अब हमें 500 सेंटीमीटर को मीटर्स या फिर सेंटीमीटर्स या दोनों में हो रहा है तो दोनों में मुझे कन्वर्ट करना है। तो 500 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 500 को सेंटीमीटर से आप मीटर में जा रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो आपने डिवाइड करना है हर स्टेप के लिए 10 से। कितने स्टेप्स आ रहे हैं आप? 1, 2। तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप डिवीजन में, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है आपका? 100। तो मतलब आपने 500 को 100 से क्या करना है? डिवाइड। अब ये 20 से 20 कैंसिल, सिर्फ 5 रह गया। तो 500 सेंटीमीटर में आपके कितने मीटर्स हो गए? 5 मीटर्स। सिमिलरली अगर आपको ये देखें, हम 925 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। अब हम 100 होता है इसका, हमें ये पता लग गया कि 100 होता है, तो 100 में कितनी जीरोज होती हैं? 2। तो पीछे से अगर मैं देखूँ 2 डिजिट कित क्या बना रही हैं? 25। तो 25 अलग रख लिया, तो 925 में से अगर 25 अलग कर दिया तो सिर्फ क्या बच गया? 900। तो इसको तो आप सेंटीमीटर में ही छोड़ देंगे, इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 100 से डिवाइड। तो जब मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो 20 से 20 कैंसिल, सिर्फ 9 रह गया, तो ये बन गया आपका 9 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब अगर मैं एक बार थर्ड पार्ट आपको और बताऊं, 1638 सेंटीमीटर है, तो पीछे से 2 डिजिट में क्या बन रहा है? 38। तो 38 मैंने अलग रख लिया, तो 1638 में से अगर 38 गया तो सिर्फ 1600 बच गया, तो ये बन गया 1600 प्लस 38। ये आप सेंटीमीटर में छोड़ेंगे, इसको आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना है, 20 से 20 कैंसिल, सिर्फ 16 रह गया, तो 16 मीटर 38 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली इसके बाकी के पार्ट्स हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 7 किलोमीटर को आप मीटर में कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कितने स्टेप्स जा रहे हैं आप? 1, 2, 3। 3 स्टेप्स आप जा रहे हैं, तो 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 3 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब, या फिर 1 के साथ कितनी जीरोज लगाएंगे आप? 3। तो 1 के साथ 3 जीरोज लगा दी तो बन गया 1000। मीन्स यहाँ पे क्या है आपका मेन थिंग? 1000 हो गया। तो 7 को 1000 से किया तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 आ गया आपका 7000 मीटर्स। सिमिलरली अगर मैं आपको इसका
थर्ड पार्ट बताऊं तो 9 किलोमीटर 750 मीटर को आपने करना है मीटर्स में, तो ये वाला जो है ये ऑलरेडी आपका मीटर्स में है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर से हमें 1000 में से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो 9 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 9000 मीटर्स। तो 9 किलोमीटर 750 मीटर क्या हो गया, 9 किलोमीटर की जगह लिख दिया आपने 9000 प्लस 750 ऑलरेडी मीटर में था वो मैंने साथ में ऐड कर दिया, तो बन गया आपका 9750 मीटर्स। अब मैं एक पार्ट और बता रही हूँ आपको, एट्थ पार्ट अगर हम देखें इस तरह से दे रखा है, एट को आप अलग कन्वर्ट करेंगे, 4 1/4 को अलग। जब आप एट को कन्वर्ट कर रहे हैं तो एट को 1000 से अलग मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/4 को 1000 से अलग। तो 8 × 1000 इज 8000, 1000 को 1 से किया तो 1000/4। जब आप 1000 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम 1000 को 4 से डिवाइड करके देखें तो 4 × 8 2 बचेगा, ऊपर से 0 उतारी, 4 × 5 = 20 0 बचा, ऊपर से ये वाली 0 उतारी, अब ये 0 नहीं जा रही तो एक 0 हमारी यहाँ लग गई, तो आपका डिवाइड करके आंसर आ गया 250। तो 1000 को 4 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 250। अब 8000 में 250 ऐड किया तो आपका आंसर बन गया 8250 मीटर्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कन्वर्ट टू किलोमीटर्स एंड मीटर्स, मिले किलोमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है। आपका पहला है 5157 मीटर्स। जब आप किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो कितना स्टेप है आपका, 1 2 3 मीन्स 1 के साथ 3 जीरोज लगानी है, तो आपका 1000 बन रहा है। तो 1000 पे कितनी जीरोज होती हैं, 3 जीरोज, तो पीछे से मैं 3 नंबर देखूंगी, 3 नंबर्स आपके पीछे से क्या बना रहे हैं, 175। तो हमने 175 क्या करना है, अलग रखना है। तो अगर आप 5175 में से 175 अलग रख दें तो आपका बच जाएगा 5000। तो 5000 प्लस 175 हमने इसको लिख लिया। अब ये तो आपका मीटर्स में ही रह जाएगा, इसको आप किलोमीटर्स में कर देंगे। तो हम जब मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो मुझे डिवाइड करना है, कितने स्टेप्स है, 3। तो 1 के साथ 3 जीरोस 1000 से डिवाइड करना है, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, क्या रह गया सिर्फ 5। तो ये बन गया आपका 5 किलोमीटर 175 मीटर्स। अब आपका ये दे रखा है 3000 मीटर्स, इसको आपने कन्वर्ट करना है। तो 3000 को 1000 से करा तो 1000 से 30 से 30 कट गई, आंसर आ गया 3 मीटर्स। अब ये 950 मीटर्स है तो मुझे पीछे से 3 डिजिट अलग करनी होती है, तो इसमें तो है ही 3 डिजिट, तो 950 मीटर में आपका आंसर 950 मीटर्स ही रहेगा। इसी तरह से आप इसके बाकी के पार्ट्स करेंगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज कन्वर्ट टू मिलीमीटर्स, आपने मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब आप मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर से मिलीमीटर 1 स्टेप इस तरफ जा रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, एक ही स्टेप है तो एक ही बार। तो 2 सेंटीमीटर को करने के लिए 2 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 20 मिलीमीटर। सिमिलरली अगर यहाँ पे 24 को करने के लिए 24 को 10 से करा तो आपका आ गया 240 मिलीमीटर। अब अगर इसका मैं आपको थर्ड पार्ट बताऊँ तो आपको 11 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर को करना है। तो 11 सेंटीमीटर को करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मिलीमीटर में है, तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 110 मीटर। तो 11 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर क्या हो गया, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया था तो 110 प्लस ये वाला 6 साथ में ऐड कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी मिलीमीटर में था, तो 110 प्लस 6 इज 116 मिलीमीटर। नाउ सेवेंथ पार्ट अगर मैं दिखाऊं आपको तो 7 1/2, तो 7 को अलग कन्वर्ट करना है 1/2 को अलग। तो 7 को 10 से अलग मल्टीप्लाई प्लस 1/2 को 10 से अलग मल्टीप्लाई। तो 7 × 10 = 70, 1 × 10 = 10 / 2। तो जब आप 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 2 × 5 = 10, क्या आ रहा है 5। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह लिख दिया 5, तो 70 प्लस 5 बन गया आपका 75। नाउ बाकी पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन के। मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट टू सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। 78 मिलीमीटर है, तो आप जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हैं तो एक ही स्टेप है, मीन्स 10 ही है सिर्फ। तो 10 में कितनी जीरोज होती हैं, 1। तो पीछे से जो एक डिजिट नंबर बना रही है 8 को अलग रख लेंगे, बाकी आपका अलग रह जाएगा। तो 78 में से अगर आपने 8 अलग किया तो क्या रह गया 70। तो 78 को लिखेंगे आप 70 + 8, मतलब आपने इसको एक्सपेंड करना है एक तरह से। तो 70 को अगर आप मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जाते हैं तो आपने 10 से डिवाइड करना है, इसको 10 से डिवाइड करा, 10 से 10 कैंसिल, ये क्या बन गया 7 सेंटीमीटर, और इसको आपने मिलीमीटर में ही छोड़ दिया। तो ये बन गया आपका 7 cm 8 mL। नाउ मैं अगर आपको 15 मिलीमीटर की बात बताऊं तो इसमें लास्ट की एक डिजिट से 5 बन रहा है, तो 5 अलग रख दिया, तो 15 में से 5 गया तो बच गया 10, तो 10 + 5 हो गया,
इसको कन्वर्ट करने के लिए 10 को 10 से डिवाइड किया, तो 10 को 10 से डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा, तो ये बन गया 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। सिमिलरली थर्ड पार्ट देखें तो 505 मिलीमीटर है, तो 5 अलग रख दिया, तो 500 में से 5 अलग किया तो क्या बच गया, सिर्फ 500। अब मैं 500 को 10 से डिवाइड करूंगी, 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया 50, तो 50 सेंटीमीटर, और ये एज इट इज मिलीमीटर में रह गया 5 मिलीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7, दैट इज स्टोइसम्स। पहला है येसु काइट फ्लाई कर रहा था 10,500 सेंटीमीटर की हाइट पर, हमें उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। हाइट क्या थी 10,500 सेंटीमीटर, तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हम टू स्टेप्स इस तरफ जा रहे हैं, तो जब मैंने इसको 100 से डिवाइड किया तो 20 से 20 कैंसिल, क्या रह गया आपका 105 मीटर्स। नाउ इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन होगा, आप सेकंड क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, थर्ड भी आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं फोर्थ बता रही हूँ। ग्रैनी ने 2x2 मीटर शॉल खरीद बनाई चीनू के लिए, तो उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना, तो मीटर से जब हम सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को अलग करेंगे, 1/2 को अलग, तो जब 2 को करा 100 से तो 200, 1/2 को करा 100 से तो 100 × 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50। 100 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 5 10 0, ऊपर से उतारी 0 तो यहाँ 0 लग गई, क्या आ गया 50, तो 200 + 50 = 250 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मास। अब हम लेंथ का पढ़ रहे थे, अब हम मास करेंगे, मास मतलब वेट, सेम चीज़ रहेगी, सेम टेबल रहेगी, पर हम मीटर यूज़ बोलते थे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, अब हम मीटर की तरह क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ग्राम, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ मीटर की जगह वर्ड यूज़ करना है आपने ग्राम, तो ये बन गया आपका किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। तो किलोग्राम को किलो के लिए के, ग्राम के लिए हम क्या लेते हैं जी, हेक्टोग्राम के लिए एच जी, डेका के लिए डी ए, ग्राम के लिए जी, ग्राम के लिए जी, डेसीग्राम के लिए डी जी, सेंटीग्राम के लिए सी जी और मिलीग्राम के लिए एम जी। तो ये जो 3 यूनिट्स होती हैं आगे की, ग्राम से इस तरफ वाली, लेफ्ट वाली, ये आपकी हाइयर यूनिट्स हैं, बड़ी हैं, और जो ये लेफ्ट के ग्राम के राइट साइड पर है वो आपकी लोअर यूनिट्स हैं। तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होंगे, 1, 2, 3 स्टेप्स जा रहे हैं तो 1 के साथ 3 जीरोज लगा दी, 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1, 2, 3 स्टेप्स इधर आ रहे हैं तो इस तरफ आ रहे हैं, तो 1 के साथ 1000 डिवाइड कर दिया केजी, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर 1000 ग्राम है तो हमारा कितने केजी बनता है, 1 केजी। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 10.3, हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में, केजी से लेके ग्राम्स में जा रहे हैं, 1, 2, 3 स्टेप इस तरफ आ रहे हैं, तो 1 के साथ 3 जीरोज लगा दी, 1000 बन गया, तो 3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, सिंपल ये हो जाएगा आपका 3000 ग्राम। अगर मैं आपको थर्ड पार्ट बताऊं तो 9 kg 279 ग्राम, तो ये ऑलरेडी ग्राम में है, इसको करूंगी, सिर्फ इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 9 को 1000 से किया तो 9000, तो 9 kg 279 ग्राम क्या हो गया, 9 kg की जगह लिख दिया आपने 9000, प्लस कर दिया साथ में 279, तो वो बन गया 9279 ग्राम। अब अगर हम 8th पार्ट देखें तो 34 3/4 ग्राम है, किलोग्राम है, तो इसको अलग से, इसको अलग से, इसको करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 34000, 3/4 को करने के लिए 3/4 को 1000 से किया, अब आप 1000 को जब 3 से करेंगे तो 3 × 1000 3000, फिर आप उसको करेंगे 4 से डिवाइड, तो जब आप 3000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 750, तो आपका क्या हो गया ये 34000 + 750, तो 34000 में जब 750 ऐड किया तो आपका बन गया 34750 ग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखें, तो अब हमें किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है, अब ये था ग्राम्स में, किलोग्राम में जाने के लिए हम इस तरफ जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 1000 से क्योंकि हम 3 स्टेप्स जा रहे हैं, तो 30 से 30 कैंसिल, क्या रह गया आपका 4 kg। सिमिलरली इसमें करा तो 30 से 30 कैंसिल, क्या रह गया आपका 19 kg। अब अगर मैं आपको ये बताऊं 7489, 3 जीरोज हैं तो पीछे की 3 डिजिट से क्या नंबर बन रहा है, 1, 2, 3, 489, 489 को अलग रख लिया तो 7489 में से 489 अलग किया तो क्या बच गया, सिर्फ 7000। तो ये तो आप ग्राम में ही छोड़ देंगे, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, क्या रह गया आपका 7 kg 489 ग्राम। इसी तरह से आप बाकी के करेंगे। अब मैं आपको 8th पार्ट अगर दिखाऊं तो 31020, पीछे की 3 डिजिट से क्या बन रहा है, 020,
जीरो टू जीरो का कुछ मतलब नहीं है, तो जीरो आगे की जीरो का कुछ मतलब नहीं होगा, तो सिर्फ 20 रह रहा है, तो 20 अलग कर दिया और 31,000 अलग। इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, 30 से 30 कैंसिल, ये बन गया आपका 31 kg, और ये एज इट इज उतर गया आपका 20 ग्राम। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका स्टोरी सम्स। मेरे स्कूल बैग का जो वेट है वो 3 1/2 kg है, मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो 3 को अलग से करूँगी, 3 को 1000 से किया तो 3000, 1/2 को 1000 से किया तो 1000 × 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो जब आप 1000 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 500, तो ये 3000 एज इट इज, और 1000 को 2 से किया तो 500, तो 3000 प्लस 500 आ गया मेरा 3500 ग्राम। तो मेरे स्कूल बैग का वेट ग्राम्स में कितना है, 3500 ग्राम्स। सिमिलरली 3080 ग्राम का एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन, 3080 ग्राम है तो पीछे से दो थ्री डिजिट्स देखनी है, क्योंकि हमारे थ्री डिजिट्स होते हैं, लेकिन आपकी थर्ड डिजिट जीरो है तो 080 कुछ नहीं होता, सिर्फ 80 बोलेंगे हम, आगे जीरो का मतलब नहीं है, तो ये 80 अलग कर दिया, 3000 अलग। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, इसको ग्राम में ही छोड़ दिया, 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 3 और ये 80, तो आपको कन्वर्ट करके किलोग्राम और ग्राम में क्या आ गया, 3 kg 80 ग्राम। नाउ दिस इज द कम्प्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 10.3। वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इन द नेक्स्ट videos.